प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पवन ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम सरकाघाट डिपो के 70 बस रूटों को धर्मपुर में स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर रही है और जब से यह सरकार बनी है तभी से भेदभाव का सिलसिला शुरू हो गया था। धर्मपुर बस डिपो में प्रदेश सरकार को नई बसें व नया स्टाफ देना चाहिए। सरकाघाट से रूट व स्टाफ शिफ्ट करना उचित नहीं है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का खासकर भद्रौता व बैरा इलाका बसों के भारी संकट से जूझ रहा है। वे लोग या तो पैदल चलने के लिए मजबूर है या फिर महंगे किराए पर टैक्सी में सफर करने के लिए मजबूर है। इस फैसले से इन इलाकों में नए बस रूट शुरू करने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। यह फैसला जन विरोधी है। इस फैसले से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बस सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पूरी तरह से अपनी मनमर्जी पर उतर आए हैं तो वहीं सरकाघाट के विधायक क्षेत्र को पूरी तरह से उजाड़ने पर तुले हुए हैं और विधायक सालों से विधायकी की मौज ले रहे हैं। उन्होंने कभी भी सरकाघाट के हितों को नहीं समझा और मूक दर्शक बने रहे। विधायक सरकाघाट के पुराने बस अड्डे व बलद्वाड़ा में एक शौचालय बनाने में नाकामयाब रहे हैं। यही नहीं, जल जीवन मिशन में भेदभाव, जल शक्ति विभाग में नियुक्तियों में भेदभाव, हॉर्टिकल्चर कार्यालय अटल स्कूल को धर्मपुर शिफ्ट कर दिया, लेकिन विधायक ने मुंह तक नहीं खोला और अपनी ही सरकार में बात करने से डरते हैं। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता अब ऐसे विधायकों को लेकर भारी पछतावा महसूस कर रही है। पवन ठाकुर ने कहा कि अब सभी पंचायत प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों, समाज सेवी संगठनों, युवा मंडलों, महिला मंडलों, व्यापार मंडलों को इस निर्णय की खिलाफत करने के लिए आगे आना चाहिए। पवन ठाकुर ने यह भी चेतावनी दी है कि इस फैसले के खिलाफ वे सरकाघाट की जनता को लामबंद करेंगे और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। आज बड़ी दुख की बात है कि सरकाघाट में जो हमारे 70 जो रूटों के बसों के रूटों को चेंज करके धर्मपुर किया गया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि धर्मपुर में अब 70 के नए 100 रूट सैंक्शन किए जाए, नए रूट चलाए जाए, परंतु जो सरकाघाट के हमारे रूट हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। पहले भी सरकाघाट में वर्षों से कई रूट जो है बंद पड़े हुए हैं। हमारे समूचे सरकाघाट के चारों एरिया जो इलाका हटली है, सोरांगा है, बैरा है, भद्रौता है, वहाँ पे जो हमारे लोकल रूट हैं वो बंद पड़े हैं और लोगों को आने जाने में इतनी असुविधा हो रही है। लोग हमारे से कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे हमारे जो है जो स्थानीय रूट हैं वो बंद हैं, जिनके तहत हमें इधर उधर जाना होता है तो हमारे को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और आम आदमी की जो सवारी है वो बस है। आम आदमी अगर इधर उधर जाएगा तो बस के माध्यम से जाएगा। बस जो हमारी वो है इलाके की बैकबोन है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे जो 70 रूट आपने चेंज किए उनको बहाल किया जाए तथा समूचे सरकाघाट में बसों की सेवाओं को बहाल किया जाए। और हमने पहले भी HRTC प्रबंधक के समक्ष आवाज उठाई, सरकार के समक्ष आवाज उठाई, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं की गई। और सरकार को HRTC का जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ बनाना चाहिए। आज जो HRTC के कर्मचारी हैं उनको समय पे सैलरी नहीं मिलती। जो रिटायर हमारे कर्मचारी भाई हैं उनके जो है भत्ते हैं वो नहीं मिल रहे हैं उनको, और साथ में उनको टाइम की पेंशन नहीं मिल रही है। जबकि सरकार को जो है अपना ये पथ परिवहन विभाग चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए, तो सरकार इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे रूटों को बहाल कर जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जो है जन आंदोलन करेगी। ऐसे भी इस सरकार ने ये ठान ली है कि हमने सरकाघाट को उजाड़ के ही रखना है। आज HRTC की बात नहीं रही है, आज और भी हमारे जो मुख्य ऑफिस हैं वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चाहे सरकाघाट में HRTC का ऑफिस है, चाहे हमारे आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल था, तो सारे को एक एक करके जो है वो धर्मपुर को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है या अन्य विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है।
साथ में अगर जो इम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ को इम्प्लॉयमेंट मिलनी है छोटी मोटी, वो भी या धर्मपुर के क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। हम बोलते हैं हमें कोई विरोध नहीं है धर्मपुर का, वहां ले चाहे वहां पे सारे समूचे धर्मपुर के जो बच्चों को अपने क्षेत्र में रखें, परंतु सरकार घाट में जो इम्प्लॉयमेंट मिलती है वो सरकार घाट के ही बच्चों को रखें आउटसोर्सेज के, क्योंकि आउटसोर्सिंग में छोटा मोटा जो पगार मिलती है, घर आंगन में अगर चाहे कोई बंदा वो वाटर गार्ड है, फीटर है, कुछ है, तो सरकार घाट के ही लड़कों को घर द्वार में रोजगार मिले, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से चाहे हमारे आईपीएच के रेस्ट हाउस हैं, उनको भी जो सरकार घाट में बनने थे उनको भी धर्मपुर में बनाया जा रहा है। जो सरकार हमारे जहाँ हमारे सरकार घाट में एक जो है वो त्रिफाल घाट के पास हमारा रेस्ट हाउस बनना था, वो भी वहाँ से बदल के आदरणीय विधायक महोदय ने अपने घर के पास दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह समूचे सरकार घाट में आज विकास के नाम पे जो है वो जीरो हो चुका है, सारे विकास के कार्य ठप चले हैं। जो विधायक 14 वर्ष में सरका घाट में और बलदौड़ा में टॉयलेट नहीं बना सका, और आज वो विकास की बातें करता है, वो बताइए कि टॉयलेट बनाए, आप बताओ सरका घाट में कहां जैसे आपने टॉयलेट बनाया, बलदौड़ा में बताओ अभी भी आजकल एक काम चला पर कभी वो चला ही नहीं है, 14 वर्ष हो गया, आप बलदौड़ा में बताइए कहां जैसे आपने टॉयलेट बनाया। हम तो आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि आप सरकार घाट के उत्थान के लिए सोचते हैं या सोचते होंगे। मेरी तो आपसे निवेदन है कि आपको नैतिकता के आधार पे जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो विधायक अपने क्षेत्र के वासियों की हितों की रक्षा नहीं कर सकता उसको उस पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सरका घाट से अमित कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।